संसद में निष्कासित सांसदों की बहाली को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। पीएम का पुतला फूकने पर पुलिसकर्मियों से हुई धक्का मुक्की। इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा संसद में निष्कासित किए गए 142 विपक्षी गठबंधनों के सांसदों के मामले पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। निलंबन को लेकर डीएम कार्यालय पर घेराव कर प्रदर्शन कर रहे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूकने की कोशिश भी की गई। प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए जाने की कोशिश के दौरान ही पुलिस की प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत हुई। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनियों के द्वारा जमकर बवाल मचाया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ अन्य इंडिया गठबंधन दलों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिसकर्मियों के द्वारा नोकझोंक हुई और पुतला हाथ से छीन लिया गया, जिसके बाद सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी गठबंधन के नेताओं द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। एसडीएम के द्वारा उचित माध्यम से ज्ञापन को आगे भेजने की बात कही। अब देखना होगा कि देश की संसद से बर्खास्त सांसदों की बहाली आखिर कब तक हो पाएगी, यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल इंडिया गठबंधन पूरे तरह से सांसदों की बहाली की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। चलो 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 नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी।